नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत, जी हाँ दोस्तों, 1204 दिन का क्लास है ये। और इस वीडियो में आप जो है 10 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते हैं ओ से के साथ साथ जो है, जो तीन स्लाइड में है, आप एक टेक्स्ट को भी देखेंगे, बिल्कुल न्यू टेक्स्ट रहेगा। और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है, भारत की आबादी जो है 70% अधिक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है, और ऐसे में अगर इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, तो आप लगातार अगर हमारे साथ बनते हैं यानी बने रहते हैं, तो इंग्लिश 100% सीखने आएगा। क्योंकि बोलने मतलब एक्चुअली सीखने का मतलब है, देखिए कोई भी चीज़ को सीखा जाता है, ठीक है। पढ़ा लोग कहते हैं पढ़ते हैं, पढ़ाया नहीं, सीखना चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज हो चाहे कोई स्किल हो। तो आज के समय में चूँकि हर चीज़ जो है सीख कर ही कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इंग्लिश भी बहुत यूज़ का है, चाहे आपका वो जॉब हो या अपना सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ बात हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में आप अधिक से अधिक ये जानिए कि भाई अल्फ़ाबेट क्या है, कैसे इसका उच्चारण करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जिसके तहत 26 लेटर होते हैं, बस 26 लेटर, लेकिन फिर भी इंग्लिश लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्यों नहीं तो समझना होगा। अब देखिए, इसे ए बी सी डी जेड तक है, लोग आज भी इसे ए बी सी डी या एडजुट कहते हैं। अल्फ़ाबेट बहुत ही कम लोग बोलते हैं, तो अब से अल्फ़ाबेट कहना शुरू करिए। और देखिए, इसके दो पार्ट हैं, वॉवेल जिसकी संख्या 5 होती है, और जो इस तरह से है ए ई आई ओ यू, यानी ऊपर में से जो ए आई यू को छोड़ दें, मतलब कि जो अगर रख दें, तो ये एक वॉवेल कहलाता है। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो कॉन्सोनेंट का पार्ट है, जिसमें 21 लेटर, इसको छोड़कर। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि उच्चारण आपको कितना आता है, ठीक है, उच्चारण कितना आता है। जितना उच्चारण अगर जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कॉन्सोनेंट के बहुत सारे लेटर्स को आप अच्छी तरह से उच्चारित कर पाते होंगे, और इसी वजह से आप बहुत सारे वर्ड्स पढ़ पाते हैं। तो फिर से वही बात, जितना आप पढ़ते हैं, जितना आप उच्चारण समझते हैं, उतना यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट यानी कह सकते हैं अल्फ़ाबेट का, उतना वर्ड उतने तरीक़े से, जितना आप पहचानते हैं इंग्लिश वर्ड को, उतने तरह से आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप क्या पहचानते हैं, इस बात को समझिए कि जैसे बी को ब बोलते हैं, तो अगर बी यू एस, बचपन से आप पहचानते हैं इसे, बस को, ये आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बी को बस ही क्यों कहते हैं, ठीक है। जबकि बी के बाद यू है, तो यू से तो ऊ होता है, तो बुश क्यों नहीं बोलते हैं, बुश क्यों नहीं बोलते, बुश क्यों नहीं, एक छोटी सी बात समझने वाली बात कि बुश क्यों नहीं कहते, बस क्यों कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यू जो है, यू को आ पढ़ा जाता है यहाँ पर, इसीलिए। तो बी यू एस तो पहचान से तो याद है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक और वर्ड लेते हैं, पी ओ एल आई सी ई, इसको पुलिस क्यों बोलते हैं, पुलिस, यही तो बोलते हैं हम लोग, पुलिस, पोलिस नहीं बोलते हैं, पोलिसे नहीं बोलते हैं, है ना, नहीं बोलते, पुलिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आप सोचिए क्यों बोलते हैं, मैं बताऊंगा दो स्लाइड के बाद कि पुलिस को पुलिस ही क्यों, इस वर्ड को पी ओ एल आई सी को, चूंकि ओ है तो ओ पढ़ना चाहिए, लेकिन पुलिस क्यों पढ़ते हैं। तो अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आप तो समझ चुके होंगे क्यों पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बताऊंगा। अब देखिए, सी को क श बोलते हैं, श कब है, जब सी के बाद आ जाए तब सी को श बोलते हैं। डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, ना, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, ड, एस को स ज, टी को ट त बोलते हैं, च स ही बोलते हैं, वी को व भ, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज ज। अब देखिए, सी आई और सी ई से स होता है, सी ए सी के क्यू, क्यू यू ई को क बोलते हैं, तो x को x बोलते हैं तो x है, या x को x भी बोलते हैं, तो ये भी समझना होगा। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर u को अगर u ही पढ़ा जा रहा है, तो हमेशा कन्फ्यूज़न होगा, है ना, u को कन्फ्यूज़न ही होगा, तो बस पढ़ते हैं। अगर u को अ पढ़ते हैं तो बी यू एस क्या होता है, बस हो जाता है, बी यू एस बस हो जाता है, यानी ये वाला u अ के रूप में उच्चारित हुआ। तो अब दोस्तों, ए को अ आ ए आई बोलते हैं, ई को अ आ ई ई ए बोलते हैं, आई को अ आ ई ई आई बोलते हैं, ओ को अ आ ओ ऊ ओ बोलते हैं, और यू को अ आ ऊ ई यू बोलते हैं, जबकि डबल ओ को अ आ ऊ
वो बोलते हैं। तो इन सबको याद रखिए, ज़्यादा नहीं 27, एक्चुअली 5 है, लेकिन 5 भवेल होते हुए भी 27 तरह से इसका उच्चारण होता है। कैसे? देखिए, तो यू को ए को 4, ई और आई को 5, 5, ओ को 4, यू को 4, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते, जोड़ लीजिएगा 27 हो जाएगा। अब इन सब वर्ड्स को आप जैसे यहाँ पर मेडल में ए को अ, मॉल में ए को आ, मेड में ए को ए, और मैन में ए को है, सभी का इसी तरह से नीचे भी आप समझ सकते हैं कि उच्चारण है कौन कौन सा उच्चारण। आप खुद पढ़ कर देखें कि इसमें कौन सा ई का उच्चारण है, इसमें कौन सा आया, इसमें कौन सा ई का उच्चारण आया, इसमें आई का कौन सा उच्चारण है, इस वर्ड में कौन सा, यानी इस सब में ओ का उच्चारण, अलग अलग वर्ड में कौन कौन सा हो रहा है, यू में कौन कौन सा हो रहा है, या डबल ओ में कौन कौन सा हो रहा है। इधर से आप पकड़ के खुद पढ़ के देखिए, वीडियो को रोक कर आप स्क्रीन को चौड़ा करके आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, तब आगे बढ़ेंगे। अब चलिए, जैसे देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता वो क्या करें कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लें, ये है याद करना, ठीक है। जो इंग्लिश लिखा हुआ और उसके बगल में जो हिंदी लिखा हुआ, तो जो इंग्लिश लिखा हुआ उसका उच्चारण हिंदी में किया गया है, लिखा गया है कि यही पढ़ना है। जैसे ई एन को एन पढ़ना, सी ओ को कन पढ़ना, सी ओ एम को कम पढ़ना, ई आर को आर पढ़ना, टी एन टी को टेंट पढ़ना, अल सीव एंस, तो इंग्लिश वर्ड नहीं, पहले इसको पढ़ना सीखिए। अगर पढ़ना सीख जाते हैं तो ईजी है इंग्लिश पढ़ना, आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से इंग्लिश पढ़ने में हेल्प करेंगे। आप कुछ भी करें, इधर उधर पहचानने वाला चीज़ जो है, पहचान पहचान कर पढ़ना, उससे ज़िंदगी निकल जाएगी, यानी कि 10 साल आपको दे जाने पड़ेंगे और पहचानते रहेंगे। मान लीजिए अननोन वर्ड आ जाएगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, उसका स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप इधर पहचान पहचान कर पढ़ रहे हैं। लेकिन ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जैसे याद आपके पास याद रहता है आपके दिमाग में, तो फिर क्या है, कोई वर्ड रहे आपको, अगर इनमें से कोई भी पार्ट मिल जाए, हर एक वर्ड देखिए इसे यहाँ पर, प्रोक्योरमेंट, ये 3 पार्ट से बना है, देखिए ई एन टी है ना, एम लग गया इसके पहले तो मेंट हो गया, प्रो क्योर है ही, प्रो पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा ही होगा। तो ये सब क्या है, वर्ड्स जो है जुड़े रहते हैं, दूसरे से जुड़ के जो ही बनते हैं, जैसे प्रीफिक्स सफिक्स और डेराइव्ड भी बोलते हैं, है ना। तो कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स, जैसे यहाँ पर है प्रीफिक्स पार्ट, जबकि अगर सी की बात करते हैं तो ये हमारा जो है सफिक्स हो जाएगा, एमेंट सफिक्स हो जाएगा, एबल जो है ये हमारा सफिक्स पार्ट हो जाएगा, कम हमारा प्रीफिक्स पार्ट हो जाएगा। तो याद रखिए सफिक्स प्रीफिक्स को, और आप जल्दी से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर सकते हैं तेज़ी से, ठीक है। अगर प्रैक्टिस ही करेंगे रोज़ हमारे साथ, तभी आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हमारे वीडियो को देखना, और वीडियो को देखना चाहते हैं, तो ओनली सेंड इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, चाहे आपको रीडिंग सीखना हो या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे और सब कुछ समझेंगे आसानी से। और देखिए, अंग्रेजी पढ़ना लिखना भी एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, और इसे करेंगे आप तो कहीं ना कहीं अपना इज्जत, अपना मान सम्मान बढ़ाएंगे ही। तो इंग्लिश में पेपर पढ़ना, इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में लिखना, कहीं ना कहीं हिंदी वालों जो भी है अलग वो क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं कि मेन बड़े बड़े एग्जाम में इंग्लिश से जो लिखते हैं उनको ज़्यादा नंबर्स मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इंग्लिश लिखने में शायद मिल जा रहा है, तो ये भी बात आपको थोड़ा समझना होगा कि कहीं ना कहीं तो वेटेज तो मिल ही जा रहा है और मिलता भी है। लेकिन अब तो शुरू से है, मैं आप सब सिर्फ यहाँ पढ़ना लिखना पढ़ा और बोलना बोलने के लिए कुछ मेहनत कराऊंगा ताकि आप आगे बढ़ सके। अब दोस्तों देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ यहाँ पढ़ें, जैसे ये वर्ड है ऐसे क्या पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ऑन स्लाउट्स, स्लाउट्स। नेक्स्ट वर्ड है उजीनेसेस, उजीनेसेस, उजल, उजल फेंच, उजल फेंच, ओपेसी फियर्स, ओपेसी फियर्स, ओपेसी फाइंग। नेक्स्ट देखिए ओपेल सेंट, ओपेल सेंट। नेक्स्ट है ओपेलसिंग, ओपेलसिंग के बाद नेक्स्ट है ओपेक, ओपेकनेस, ओपेकनेस। नेक्स्ट देखिए ओपन, ओपन हैंडेड, ओपन हैंडेड। अब ऐसे अचानक मिल जाए तो लोग घबरा जाएंगे। ओपन माइंडेड, क्योंकि दो वर्ड को जोड़ा गया, देखिए ओपन यहाँ पर चल रहा है एक प्रीफिक्स पार्ट, ओपननेसेस, ओपननेसेस।
फिर देखिए ओपन सोर्स, सी को सब बोलते हैं ना, ओपन सोर्स, ओपेरा, ओपेरा, ओपेरा गॉस। नेक्स्ट है ओपेरा गोइंग, नेक्स्ट ओपेरा टेबल, ओपेरेटेबल। तो ओपेरा नहीं है बोलेंगे, जो ओपेरा का अलग वर्ड होता है, तो ओपेरे गो, ओपेरा गोइंग, ओपेरेटेबल, अलग अलग उच्चारण होगा ही। जैसे ऑपरेशन, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, ऑपरेटाइज्ड, ऑपरेटाइज, ऑपरेटाइजेज, ऑपरेटिव्स, ऑपरेटिव्स, ऑपरेटाइज्ड। नेक्स्ट है ऑपरेटाइजेज। लास्ट है तो ऑपरक्यूलर्स, ऑपरक्यूलर्स। दूसरा देखिए ऑपरक्यूलेट, ऑपरक्यूलेट। नेक्स्ट है ऑपरक्यूलम्स। नेक्स्ट देखिए ऑपरेटिस्ट, ओपिक्लीड, ओपिक्लीड, ओफी डायरिया। नेक्स्ट है ऑफियोलेटर। नेक्स्ट देखें ऑफियोलेटरी। उसके बाद है ऑफियो लाइट्स, ऑफियोलिटिक, और ये ऑफियोलिटिक के बाद है ऑफियोलॉजिक। नेक्स्ट है तो ऑफियोलॉजिक के बाद है ऑफियो मॉर्फ, ऑफियो मॉर्फ, ऑफियो यूरॉइड्स, ऑफियोराइड्स, ऑफ्थाल्मिया, ऑफ्थाल्मिया, ऑफ्थाल्मिया और ऑफ्थाल्मिक। नेक्स्ट है ओपिनिएटिव, ओपिनिएटिव। नेक्स्ट देखिए ओपिनिक्यूजेज। नेक्स्ट है ओपिनियन, जी हाँ दोस्तों ओपिनियन नहीं, ओपिनियनेट है, ओपिनियनेट, एट को याद रखिएगा, बार बार रिपीट होते हैं ये सब, प्रीफिक्स पार्ट है हमारा। ओपिनियनिस्ट, ओपिनियनिस्ट। नेक्स्ट है ओपिनियनाइज, पढ़िए हमारे साथ, जी हाँ पढ़िए, बोलिए पढ़िए तभी देखिए, इंग्लिश से पढ़ना भी एक इंग्लिश बोलना ही तो है, इसी को धीरे धीरे अपने भाषा में शामिल कर लीजिए तो इंग्लिश बोलने आ जाएगा। ओपिसोमीटर, ओपिसोमीटर, ओपिसोमीटर। नेक्स्ट है ओपोवाल्सम। नेक्स्ट देखिए ओपोडेलडॉक्स, ओपेल है ना, डेलडॉक्स। नेक्स्ट एक और देखिए ओपोपैनेक्सेस। नेक्स्ट है ओपोथेरेपी, ओपिलेटिंग, इजी से है ना, ओपिलेशन, याद देखिए सन, ओपिलेशन। नेक्स्ट है ओपिलेटिव। नेक्स्ट देखिए ओपोसेलेस, ओपोसेलेस। नेक्स्ट है ओपोजिंगली, जिंगली, ओपोजिंगली, तो सिंगली के लोग पढ़ते हैं कभी कभी। अपोजिटली, 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 तो यहाँ पर कर लीजिए अपोजिट, अपोजिटली। अपोजिशन, अपोजिशन, और ये अपो अपोजिट, अपोजिटिव, अपोजिटिव। नेक्स्ट है ऑपरेसिंग, ऑपरेसिंग के बाद यहाँ देखें ऑपरेशंस, वो वाला नहीं लेकिन ऑपरेशंस अलग वर्ड है, ऑपरेसिव। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑपरेसर्स। नेक्स्ट है ऑपरेसर्स और ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम, जी हाँ अपन, अपन देखिए ओपेनेंसी, ओपेनेंसी, जी साइलेंट है ओपेनेंसी, ओपेनेंट्स। नेक्स्ट है ऑप्सियोमीटर, ऑप्सियोमीटर, ऑप्सोमेनियक, ऑप्सोमेनियक, ऑप्सोमेनियास, ऑप्सोमेनियस, और है ऑप्सोनीफायर्ड, ऑप्सोनीफायर्ड, और ये लास्ट देखिए इसमें ऑप्सोनीफाइज। दोस्तों ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से उच्चारण होना चाहिए, उच्चारण करने से क्या होता है कि लोगों को बोलने में भी हैबिट आ जाता है और कभी दिक्कत नहीं होता। जितने वर्ड, जितने टेक्स्ट पढ़ेंगे वो सब आपको बोलने में काम आएगा, शुद्ध शुद्ध उच्चारण होगा, वर्ड्स नहीं समझ में आएगा, एक एक वर्ड तो सेंटेंस में समझ में आता है। और बहुत ही जरूरी होता है इंग्लिश से रीड करना, रीडिंग करना बहुत जरूरी है, साथ साथ लिखना, और गैर सी बात है थोड़ा थोड़ा सेंटेंस में बोलना, पहले एक सेंटेंस का बोलेंगे फिर मतलब
फिर एक सेंटेंस का दो सेंटेंस का बोलेंगे, बोलने आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस स्लाइड में ये देखिए एनसीईआरटी का बुक से लिया गया और जाहिर सी बात 10th क्लास के बुक का है तो स्टैंडर्ड वर्ड्स आते हैं और इसमें आपको 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का बहुत यूज़ है। तो अगर जो याद रखेंगे वो जो है जल्दी से जल्दी पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से याद रखिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 30 से 40 सेकंड का चीज़ है, एक स्लाइड को 30 से 40 सेकंड में से पढ़ सकते हैं आप। 50 सेकंड बहुत बहुत लगेगा अगर पढ़ने आता है तो। यदि ओ डब्ल्यू को ओ और आओ दोनों बोलते हैं, यहाँ पर आओ बोला गया है तो हाउ टू प्रो, देखिए प्रोटेक्ट वर्कर्स, ईयर पर बोलते हैं तो वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑफर्स जॉब्स दैट आर द मोस्ट साउट आफ्टर बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर enterprises in the organized sector they adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers as a result a large number of workers are forced to enter the unorganized sector or ko bhi hari bolte hain to tar lag gaya tar ho gaya jobs which pay a very low सैलरी दे आर ऑफ्टन टी हाँ साइलेंट ऑफ्टन ओ एफ टी ई एन है ना तो कुछ लोग ऑफ्टन पढ़ते हैं ऑफ्टन नहीं पढ़ना है ऑफ्टन पढ़ना है एक्स ई एक्स क्या बोलते तो एक्सप्लॉइटेड है एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पेड एंड फेयर वेज ये जो गया फेयर वेज दे आर अर्निंग देखिए अर्निंग्स आर लो ऊपर में क्या आओ पढ़े थे ओ डब्ल्यू को तो हाउ हो गया था यहाँ पर ओ डब्ल्यू को वो पढ़ रहे हैं तो यहाँ ओ एल लगा तो लो हो गया तो एल ओ डब्ल्यू लो ऊपर आओ तो हाउ हो गया नीचे ओ तो लो हो गया एल ओ डब्ल्यू लो एच ओ डब्ल्यू हाउ तो लो लो एंड नॉट रेगुलर दी जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड। दोस्तों इस तरह से आप टेक्स्ट को पढ़िए, आप इसे फिर से आप शुरू से कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं, यहाँ से स्क्रीन शॉट लेकर पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत होता तो आप समझिए कि मैंने क्या पढ़ा, आप को क्या मिस कर रहे हो पढ़ने में। दोस्तों इस वीडियो में यही तक, वीडियो बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे यहाँ से। दोस्तों इस वीडियो बने रहेंगे, धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।